Hello everyone, welcome to my channel. So in the last video we discussed about how this chlorophyll is important for the photosynthesis, and in this activity today we'll discuss about the activity 6.2 where we will discuss how carbon dioxide is important for the photosynthesis. Because in autotropism autotropic mode of nutrition में ये जाना था कि 6 molecules of जो है carbon dioxide और water के साथ वो react करते हैं in the presence of chlorophyll and sunlight, then they lead to the formation of glucose, water and ऑक्सीजन, राइट? तो आज हम ये जानेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी महत्वपूर्ण है इस फोटोसिंथेसिस के लिए. सो हाउ दिस विल प्रूव, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी 6.2. सो टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज, जैसे कि आप फिगर 6.4 में देख सकते हो. सो जिसमें जो है आपने ए और बी में जो है सेम साइज के प्लांट लिए हैं. कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 डेज. तो आप इन दोनों प्लांट्स को जो बेल जार के अंदर रख के जो है आप इसको जो यू विल डू, इसको अभी बेल जार में आपको नहीं रखना है, इसको सीधा जो है आप विदाउट बेल जार आप इसको एक डार्क रूम में रखें ताकि जो है इसमें जितना भी स्टार्च यूजअप हो सके, राइट? Now place each plant on a separate glass plate. Place a water glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. आप देख सकते हो figure 6.4A में यहाँ पे potassium hydroxide जो है रखा गया है. Potassium hydroxide क्या करता है, ये बहुत ही highly reactive होता है. जैसे ही carbon dioxide के contact में आता है ये carbonate बनाता है. कौन सा? Potassium carbonate, right? Potassium carbonate बनता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है. तो आपने अब क्या करना है, एक जार में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखना है, दूसरे के ग्लास में आपको नहीं रखना है. नाउ कवर बोथ प्लांट विद सेपरेट बेल जार. अब आपने क्या करना है, इसको एयर टाइट कर देना है ताकि बाहर से ऑक्सीजन वगैरह का कोई इसके साथ कॉन्टैक्ट ना हो. ये जो है प्लांट में सीधी जो है जो भी एक्टिविटी होगी दैट विल बी एयर टाइट. नाउ यूज़ वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट एयर, सो द सेटअप इज़ एयर टाइट. जैसे मैंने बताया कि आप इस जो है बेल जा रहे हैं आप इसको सील कर लोगे. एक में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, दूसरे में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है. कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स. अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सनलाइट में रखना है ताकि इसमें जो है फोटोसिंथेसिस हो सके. नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी. आप फिगर 6.4A में देखोगे कि जो है प्लांट जो है जब आप इसको स्टार्च जो है आयोडीन के साथ रिएक्ट करोगे उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिली ही नहीं. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर गई, उसने अपना कार्बोनेट बना लिया. जबकि फिगर 6.4B में जो है फोटोसिंथेसिस हुई, वहाँ पे जो है लीव्स हैं वो स्टार्च का टेस्ट देंगी, जो है ब्लू ब्लैक कलर देंगी. जबकि फिगर 6.4A में आपके जो है प्लांट्स जो हैं वो स्टार्च टेस्ट उनका फेल हो जाएगा. डू बोथ द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च? नो. जो बी है उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फिगर 6.4A. वट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी? तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाई इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. जबकि फिगर 6.4B में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था ही नहीं, तो वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी. तो जो है इसकी वजह से जो है उसमें फोटोसिंथेसिस हुई, जबकि ए में फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं. इससे हमें ये पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर द photosynthesis. Based on the two activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? जी बिल्कुल. जो है अगर आप हमने यहाँ पर ये प्रूव किया कि क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है, तो सनलाइट इम्पॉर्टेंट भी शो करते हैं कर सकते हैं. जैसे कि आप दो प्लांट ले सकते हैं जहाँ जिस प्लांट को आप सनलाइट में रखोगे वहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस होगी, जबकि जो अंधेरे में होगा जो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट उसमें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और थोड़े दिनों बाद वो जो है प्लांट मर जाएगा, राइट? सो फॉर वी हैड टॉक अबाउट हाउ फोटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट. अब तक हमने ये जाना जो ऑटोट्रॉप्स हैं प्लांट्स हैं वो कैसे
अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी. सिर्फ उनको फोटोसिंथेसिस ही नहीं चाहिए उनमें, उनको और रॉ मटेरियल भी चाहिए उनकी बॉडी बनाने के लिए. नाउ वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट. जो पानी यूज होता है फोटोसिंथेसिस में वो सॉइल से लिया जाता है. किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ रूट इन द टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल जो हमें जो है लैंड पे प्लांट्स मिलते हैं. अदर मटीरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. तो ये सारे मटीरियल्स को कहाँ से मिलेंगे? सॉइल. सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क इन द फॉर्म ऑफ MCQ कि जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सॉइल. जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम कहाँ से मिलते हैं? दे आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल. नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. जितने भी हमारे प्रोटीन हैं उनका जो है नाइट्रोजन एक मेन कंपोनेंट होता है. तो दैट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स. तो ये कैसे अब्सॉर्ब किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, राइट? और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर बाई बैक्टीरिया फ्रॉम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. तो नाइट्राइट एंड नाइट्रेट कब है? ये आपको सॉल्यूबल फॉर्म में जो है प्लांट हमेशा लेता है. सो इट इज़ ऑल्सो टेकन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूबल. जब पानी में ये घुल जाते हैं तब दे आर यूज अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट. जबकि ऑर्गेनिक फॉर्म में कहाँ से आएगा? दैट विल बी प्रिपेयर बाई बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरिया आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, एंड बाय फ्रॉम द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ अप करके जो है कन्वर्ट करके वो प्लांट की जड़ों तक पहुँचाते हैं. तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.